शाजापुर के कालापीपल विधानसभा के निपानिया देव गांव पहुंचे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की। वहीं कालापीपल से अरनिया कला तक 7 वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया था, जिसमें किसानों की निजी भूमि को अधिग्रहित की गई थी, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने पूर्व सरकार में कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, परंतु आश्वासन ही मिलता था। वहीं कालापीपल में कुणाल चौधरी के विधायक बनने के बाद किसानों को मुआवजा दिलाने का काम किया गया। अधिग्रहित भूमि का लगभग 3.50 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को वितरित किए जाने और अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिए जाने पर किसानों ने विधायक कुणाल चौधरी का आभार माना। वहीं पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में गाय पर राजनीति की जाती थी, परंतु कांग्रेस की सरकार बनते ही गांव में गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे कि सड़कों पर घूम रही आवारा गाय जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, वह कई बार सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते थे। इसके लिए हमारी सरकार ने वचन पत्र के अनुसार गौशालाओं का निर्माण करने का काम किया, जिसमें मुआवजा ना तो किसान की जमीन ले ली गई थी, रोड बन चुका था, पर उसके मुआवजे नहीं मिल रहे थे। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया तो उन्होंने लगभग 3.5 करोड़ रुपए का मुआवजा सड़क का अभी बांट दिया है, जो सभी किसानों के खातों में पहुंच गया। उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि इस सोच के साथ, इस विचार के साथ कि कैसे किसान का भला हो, उसी के मुताबिक ही हमने काम किया है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।